एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज वीडियो रे आमे ओडिशा कॉमन पीजी एंट्रेंस 2020 रो बॉटनी पेपर को इन डिटेल डिस्कशन करिबा एवं तार आंसर की गुड़ा को डिस्कशन करिबा। सो मु आपन मानन को चेष्टा करबि 100% ऑथेंटिक आंसर देबा पई विथ देयर सोर्सेस। सो आज वीडियो रे आमे टोटल 70 क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कशन करिबा एवं तार आंसर की गुड़ा को डिस्कशन करिबा। ठीक अछि, सो चलंतु आरंभ करिबा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु, लिपोसाकाराइड इन द सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर वन कहूँ सेल वॉल रे लिपोसाकाराइड प्रेजेन्स गो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ऑप्शन देती ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सी फंगाई, डी एल्गी। सो देखु जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अच्छी से मानकर सेल वॉल रे किसी एक्स्ट्रा लिपोसाकाराइड लेयर रही था। सो क्वेश्चन नंबर वन आंसर हम बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो देखु मुझे आपण मानक डायग्रामेटिकली क्लीयर करुच्ची। सो देखते गोटे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जार सेल वॉल बहुत थिक रही था और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रो मिडिल रे लिपोप्रोटीन वा लिपोसाकाराइड रो गोटे एक्स्ट्रा लेयर रही था। ठीक अच्छे, सो फास्ट आंसर हम बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर टू देखु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सियानोबैक्टीरिया। सो क्वेश्चन नंबर टू कहूँ ए भितर कौटा गोटे सियानोबैक्टीरिया नुह। ऑप्शन देती ए नोस्टोक, बी स्पायरुलिना, सी अनाबेना, डी जिग्निमा। जदि आपण मैंने ऑप्शन देखिए नोस्टोक, स्पायरुलिना और अनाबेना एगुड़ा सब सियानोबैक्टीरिया, जिग्निमा गोटे आल्गी। सो क्वेश्चन नंबर टू र आंसर हम डी जिग्निमा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखु, प्रेजेन्स ऑफ फाइकोबिलिन्स इज द स्पेशल फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर थ्री कौन फाइकोबिलिन्स रो प्रेजेन्स कहार गोटे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन देती ए सियानोफाइसी एंड रोडोफाइसी, बी क्लोरोफाइसी एंड कारोफाइसी, सी जांथोफाइसी एंड फायोफाइसी, डी रोडोफाइसी ओनली। सो ये आपण मानक क्वेश्चन आसी आल्गी रु। सो आल्गी आपण मैंने देखिए सियानोफाइसी एवं रोडोफाइसी से पाखे किसी एक्स्ट्रा स्पेशल टाइप रो प्रोटीन मॉलिक्यूल रही था जहाँ आम कौ फाइकोबिली प्रोटीन्स और फाइकोबिलिन्स। सो फाइकोबिलिन्स आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर सियानोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सो क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर हम ए सियानोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्वेश्चन नंबर फोर देखु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो कौन ए भितर कौटा स्टार्च रोटे ब्रांच्ड फॉर्म। ऑप्शन देती ए एमाइलोज, बी एमाइलोपेक्टिन, सी माल्टोज, डी गैलेक्टोज। तो देखो स्टार्च जो अच्छी तार दुईटा कंपोनेंट अच्छे गोटे हूँ एमाइलोज आ गोटे हूँ एमाइलोपेक्टिन। सो एमाइलोज हूँ गोटे स्ट्रेट चेन जो भितर कि ग्लुकोज आ ग्लुकोज मलेक्यूल भितर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज रही है और एमाइलोपेक्टिन हूँ गोटे ब्रांचड फॉर्म जो थे कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइड लिंकेज रही है। सो क्वेश्चन नंबर फोर आंसर हम बी एमाइलोपेक्टिन। ठीक अच्छे, क्वेश्चन नंबर फाइव देखु, द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एक्जिबिटिंग मैक्सिमम फ्लुइडिटी इज। सो क्वेश्चन नंबर फाइव कौन कौ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन रे अधिक परिमाण रा फ्लुइडिटी रही था। ठीक अच्छे, ऑप्शन देती ए आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी क्लोरोप्लास्ट एनवल्व, सी थायलाकोइड मेम्ब्रेन, डी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो देखु अकॉर्डिंग टू मी द आंसर विल बी थायलाकोइड मेम्ब्रेन। तो थायलाकोइड मेम्ब्रेन रे कौन पाई आंसर हम ना थायलाकोइड मेम्ब्रेन रे सब टेम्परेचर अधिक रही है और जो मेम्ब्रेन रे टेम्परेचर अधिक रही है तार फ्लुइडिटी अधिक रही है। ता सहित ए जो थायलाकोइड मेम्ब्रेन रे तुम मान फोटोसिस्टम टू रे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और वाटर कंटिन्यूस ब्रेकडाउन होता है तेणु थायलाकोइड मेम्ब्रेन रो फ्लुइडिटी अधिक रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी पांच रो आंसर हम सी थायलाकोइड मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखु, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। क्वेश्चन नंबर सिक्स कौन जो प्रोटीन रो प्राइमरी स्ट्रक्चर अच्छी से का द्वारा स्टेबलाइज हुए। ए देती हाइड्रोजन बॉन्ड, बी पेप्टाइड बॉन्ड, सी एमाइड बॉन्ड, डी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो प्रथम आपण बुझापी पड़ो प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन ना ट्रांसलेशन प्रोसेस रे बा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस रे जो प्राइमरी जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड तैयारी हुए ताको आम कौ प्राइमरी प्रोटीन एवं चेन ऑफ अमाइनो एसिड रे गोटे अमाइनो एसिड आ गोटे अमाइनो एसिड सहित पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा लिंक हेगी थाए। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय योर पेप्टाइड बॉन्ड।
ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर हम बी पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर सेवेन देखु, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन। फास्ट कौच, पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड अक्यूर्स इन डाउनहिल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर टू कौच, पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड अक्यूर्स इन अपहिल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कौच, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी एंड अक्यूर्स इन डाउनहिल डायरेक्शन। फोर्थ कौच, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी एंड अक्यूर्स इन अपहिल डायरेक्शन। ये जो चारिटा स्टेटमेंट देखिए, ये चारिटा स्टेटमेंट रो स्टेटमेंट गुड़ाक करेक्ट आपण मानक कहवापी। सो प्रथम आपने बुझे डाउनहिल मूवमेंट आउ अपहिल मूवमेंट कौन। सो डाउनहिल माने गोटे हिल ऊपर तलक मूवमेंट को कह डाउनहिल मूवमेंट। ता माने जदि आम सेल भितर देखिबा गोटे हायर कनसनट्रेसन रु लोअर कनसनट्रेसन को मूवमेंट को कहवा आम अपहिल, ठीक सॉरी डाउनहिल, आउ लोअर रु हायर को कहवा आम अपहिल। ता माने पैसिव ट्रांसपोर्ट रे कौन हुए ना एनर्जी यूज हुए ना, एवं सब मॉलिक्यूल गुड़ा हायर कनसनट्रेसन रु लोअर कनसनट्रेसन को मूवमेंट करे। ता माने ऊपर तल को से भले एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे कौन हुए ना एनर्जी यूज हुए एवं से माने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन गार्डियन मूवमेंट करती। तो माने लोअर कंसंट्रेशन रु हायर कंसंट्रेशन को मूवमेंट करती। तो जदि आपण माने स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट ए आउ स्टेटमेंट फोर दुटा करेक्ट अच्छी एवं स्टेटमेंट टू एवं स्टेटमेंट थ्री भूल अच्छी। सो सेवेन रो आंसर हम बी स्टेटमेंट सॉरी डी हम, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट फोर आर करेक्ट बट टू एंड थ्री आर रॉन्ग। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर एट देखु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगाई। से क्वेश्चन नंबर एट कौच, ए भितर कौ स्टेटमेंटा फंगाई पाई ट्रू। सो ऑप्शन ए होची प्रोकैरियोटिक, बी यूकैरियोटिक, सी प्रोकैरियोटिक एंड लैक क्लोरोफिल, डी यूकैरियोटिक एंड लैक क्लोरोफिल। सो मु लेक्चर्स रे कही थी फंगी आर द ए क्लोरोफाइलस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो माने फंगी से माने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आउ से मानको पाखरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आब्सेंट रही थाए। सो एट रो आंसर हम डी यूकैरियोटिक एंड लैक क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर नाइन देखु, राइजोपस स्टोलोनिफेर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। सो क्वेश्चन नंबर नाइन कौच, राइजोपस स्टोलोनिफोर्स गोटे फंगाईटा से कौ क्लास को बिलोंग्स करे। ऑप्शन देची एस्कारियोमाइसेटिस, जाइगोमाइसेटिस, सी एस्कोमाइसेटिस, डी ड्यूटेरोमाइसेटिस। सो देखि नियंतु ये जो तुम मानकर राइजोपस अछि ये अपन मानकर फंगल क्लास जाइगोमाइसेटिस को बिलोंग्स करे। सो क्वेश्चन नंबर नाइन रो आंसर हबो बी जाइगोमाइसेटिस। क्वेश्चन नंबर टेन देखु, द ग्रुप ऑफ प्लांट्स व्हिच कैन प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियो बट लैक्स सीड एंड वास्कुलेट्स आर। सो क्वेश्चन नंबर टेन कौच, कौ प्लांट ग्रुप रे स्पोर प्रोडक्शन हुए एवं एम्ब्रियो प्रोडक्शन हुए किंतु सीड एवं वास्कुलर टिश्यू आब्सेंट रही थाए। सो मु लेक्चर्स आपण मानक कही, ब्रायोफाइट्स आर द एम्ब्रियोफाइट्स ए ट्राकियोफाइट्स। तो माने ब्रायोफाइट हो गोटे ग्रुप ऑफ प्लांट जार कि एम्ब्रियो अच्छे किंतु वास्कुलर टिश्यू नहीं। ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर टेन रो आपण मानकर आंसर हम सी ब्रायोफाइट। ठीक अच्छे। सो इलेवेन चलतु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरिडोफाइट। सो इलेवेन कौच, ए भितर कौटा गोटे टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन देची ए ओइडोगोनियम, बी लाइकोपोडियम, सी रिसिया, जी ग्रिटम। जब आपण माने ऑप्शन देखिबे, ओइडोगोनियम हूँ गोटे आलगी, रिसिया हूँ गोटे ब्रायोफाइट, ग्रिटम हूँ गोटे जिम्नोस्पर्म, किंतु लाइकोपोडियम हूँ गोटे टेरिडोफाइट्स। सो इलेवेन र आंसर हम बी लाइकोपोडियम। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखु, प्रेजेन्स अफ कोरालोइड रूट्स इन इज द टिपिकाल फीचर। सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कौच, कोरालोइड रूट रो प्रेजेन्स कार गोटे स्पेशियाल फीचर। सो आपण माने जदि जिम्नोस्पर्म पढ़ी साइकास रे किसी स्पेशियाल टाइप रो रूट देखा थाए जो भितर कि से माने अपोजिट डायरेक्शन रे मूव करती, अपोजिओट्रॉपिक मूवमेंट करती, ताको आमे कहू कोरालोइड रूट्स। एवं कोरालोइड रूट्स हूँ साइकास मानकर गोटे स्पेशियाल कैरेक्टरिस्टिक। सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आंसर हम सी साइकस। क्वेश्चन नंबर थर्टिन देखु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लोएम सेल।
सो क्वेश्चन नंबर 13 कौन ए भितर कौटा गोटे फ्लोएम सेल नुह ऑप्शन देची ए सी एलिमेंट बी कंपानियन सेल सी ट्राकिड डी ट्रांसफर सेल जब आप देखिए सी एलिमेंट कंपानियन सेल और ट्रांसफर सेल दीज आर द कंपोनेंट ऑफ योर फ्लोएम बट ट्राकिड इज ए कंपोनेंट ऑफ योर जाइलम ठीक अच्छे सो क्वेश्चन नंबर 13 रा आंसर हम सी ट्राकिड क्वेश्चन नंबर 14 देखु नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म क्रांज एनाटोमी इन सी फोर प्लांट इज कॉइन्ड बाय सो क्वेश्चन नंबर 14 कौन क्रांज एनाटोमी को किए कॉइन करते सी फोर प्लांट रे सो क्रांज एनाटोमी कौन ना सी फोर प्लांट मानक जो दुटा डिफरेन्ट प्रकार क्लोरोफिल था गोटे बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट और गोटे मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट ए क्लोरोफिल डाइमॉर्फिज्म को कहूँ आम क्रांज एनाटोमी एवं क्रांज एनाटोमी को डिस्कवर करते कॉइन करते हैच एंड साल्क सो क्वेश्चन नंबर 14 रा आंसर हम बी हैच एंड साल्क ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 15 देखु आनामोलो सेकेंडेरी ग्रोथ इज फाउंड इन सो आनामोलो सेकेंडेरी ग्रोथ मान कौन अबनर्माल सेकेंडेरी ग्रोथ सो क्वेश्चन नंबर 15 कौन ए भितर कौटे आनामोलोस मान अबनर्माल सेकेंडेरी ग्रोथ देखा जाए ऑप्शन देची ए ड्रासिना बी ट्रिटिकम सी हेलियंथस डी कुकुरबिटा सो अकॉर्डिंग टू मी यार एप्रोप्रिएट आंसर अबाउट ए ड्रासिना कमें ड्रासिना गोटे मोनोकोटिलेडन प्लांट किंतु सेथिरे सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाए सो 15 रा आंसर हबो ए ड्रासिना क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु जूट इज ए ऑप्शन देची ए बास्ट फाइबर फ्रॉम प्राइमरी जाइलम बी बास्ट फाइबर फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम सी बास्ट फाइबर फ्रॉम द प्राइमरी फ्लोएम डी बास्ट फाइबर फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लोएम सो जूट इज ए कमर्सियली फाइबर दैट ओपन फ्रॉम द प्लांट कोर्स कैप्सुलरिस एवं जो जूट गुड़ा अच्छी दे आर द सेकेंडरी फ्लोएम बास्ट फाइबर्स सो क्वेश्चन नंबर 16 रा आंसर हम डी बास्ट फाइबर फ्रॉम सेकेंडरी फ्लोएम ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 17 देखु ग्रीन रिवॉल्यूशन इज क्वेश्चन नंबर 17 कौन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन ए रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड क्रॉप याइल्ड बी प्रिपेरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रीन हाउसेस सी चिपको मूवमेंट डी रिवॉल्यूशन इन केमिकल इंडस्ट्री सो ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन आम देश में शस्य जातीय खाद्यर इम्प्रूवमेंट पाई किसी रिवॉल्यूशन निया जाए कहूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन एवं ग्रीन रिवॉल्यूशन फादर होती एम स्वामीनाथन ठीक अच्छे सो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज मेनली रिलेटेड टू विथ योर एग्रीकल्चर एंड क्रॉप याइल्डिंग प्लांट सो क्वेश्चन नंबर 17 रा आंसर हम ए क्वेश्चन नंबर 18 देखु द सिक्वेन्स ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड्स व्हेन रीड इन सेम डायरेक्शन ईदर 5' टू 3' और 3' टू 5' आर नोन एज सो क्वेश्चन कौन जो डीएनए सिक्वेन्स अच्छी जार आम देखूँ कटक जो वार्ड अच्छी आम राइट रू पढ़ले जो भाया शुण आउ लेफ्ट रू पढ़ले भी सेम ही आसो तो डीएनए भितर भी से भाया किसी सिक्वेन्स अच्छी जहाँ को आम 5' टू 3' डायरेक्शन जदि पढ़ा सेम रम 3' जब 5' डायरेक्शन भी पढ़ा ये भी सेम रकार जो सिक्वेन्स गुड़ाक अच्छी आम कौन पालिनोड्रोम सिक्वेन्स ठीक अच्छे सो क्वेश्चन नंबर 18 रा आंसर हम बी पालिनोड्रोम सिक्वेन्स क्वेश्चन नंबर 19 देखु इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज सो क्वेश्चन नंबर 19 आपण मानक जेनेटिक्स रु आसी क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर 19 कहि इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे फिनोटाइपिक रेशियो कौन होता है ऑप्शन दे छि ए 1:3 बी 1:2:1 सी 1:3:1 डी 1:1:2 सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन ना केतक प्लांट अच्छा मिराबिलिस जालापा भाई केतक प्लांट अच्छा जो मैंने मेंडेलकर ल ऑफ डोमिनेंस मानती एवं डोमिनेंस कैरेक्टरटा फुली एक्सप्रेस न होकर पार्सीयली एक्सप्रेस हुए एवं गोटे इंटरमीडिएट फिनोटाइप फॉर्मेशन हुए यही फेनोमेनन को कहूँ आम इनकम्प्लीट डोमिनेंस एवं इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे आपण मानकर जीनोटाइपिक रेशियो एवं फिनोटाइपिक रेशियो दुटा जाक इक्वल होता है जीनोटाइपिक एवं फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है ठीक अच्छे तो क्वेश्चन नंबर 19 रा आंसर हम बी 1:2:1 क्वेश्चन नंबर 20 देखु इन मेयोटिक सेल डिविजन डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू सक्सेसिव डिविजन वेयर
सो कौची मेओटिक डिविजन रे आपण माने पढ़ी थे मेओटिक डिविजन रे दी प्रकार डिविजन हुए गोटे हूँ मेओसीस वन आ गोटे हूँ मेओसीस टू। मेओसीस वन रे कौन हुए ना रिडक्शनल डिविजन हुए प्रथम तर क्रोमोजोम नंबरटा हाफ हो जाए और मेओसीस टू रे आपण मान सेम माइटोसीस भली हुए और से इक्वेशनल डिविजन हुए। सो आपण मान क्वेश्चन नंबर 20 रो आंसर हो फर्स्ट डिविजन इज रिडक्शनल सेकेंड डिविजन इज इक्वेशनल। सो प्रथम फर्स्ट मेओसीस वन रिडक्शन हो क्रोमोजोमटा हाफ हो देन कौन हम आपण मानकर सेकेंड डिविजनटा इक्वेशनल जो द्वारा कि गोटे मदर सेल डिवाइड होगी चार्टा डॉटर सेल तैयारी हो प्रत्येक सेल रे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम रही है एज कंपेयर टू द मदर सेल। सो क्वेश्चन नंबर 20 रो आंसर रही सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 रो आंसर रही डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट टू फॉर्म लेगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सो देखो डीएनए रेप्लिकेशन टाइम रे गोटे स्ट्रैंड रे कौन हुए ना कंटिन्यूअस चेन तैयारी हुए जहाँ आम कौ लीडिंग स्ट्रैंड और आउ गोटे स्ट्रैंड रे डीएनए रो सिंथेसिस डिस्कंटिन्यूअसली हुए डिस्कंटिन्यू पीस रे हुए ताको आम कौ लेगिंग स्ट्रैंड। सो लेगिंग स्ट्रैंड जो डिस्कंटिन्यू पीस गुड़ा फॉर्म हुए से डिस्कंटिन्यूस पीस गुड़ा कौ आम ओकाजाकी फ्रैगमेंट एवं से ओकाजाकी फ्रैगमेंट गुड़ा परवर्ती समय जॉइन है कि गोटे कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनती। सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो जॉइन हुए आपको गोटे एंजाइम कैटालाइज करे से एंजाइम रो नाम होची डीएनए लाइगेज। ठीक अछि सो क्वेश्चन नंबर 21 रो आंसर हम सी डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 22 देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मार्कर यूज्ड टू डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 22 कहुची कौ डीएनए मार्कर को आम गोटे चाइल्डर पैटर्निटी डिटरमाइन करने यूज करूँ। तो चाइल्डर पैटर्निटी माने कौन ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस रे आम RFLP टेक्निक को यूज करचु। ठीक अछि सो 22 रा आंसर हम बी RFLP। क्वेश्चन नंबर 23 देखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन इनिशिएटिंग कोडन टू कोड एंड अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। सो क्वेश्चन नंबर 23 कहूँ ए भितर कौटा गोटे इनिशिएशन कोडन। सो आपण माने जानते ये बहुत कॉमन आउ इजी क्वेश्चन। सो डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस रो इनिशियल कोडन हो AUG। सो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हम AUG। ठीक अच्छे सो क्वेश्चन नंबर 24 देखु क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग प्रोफेज वन ऑफ मेओसिस। सो क्वेश्चन नंबर 24 कहुची मेओसिस रो प्रोफेज रो कौ स्टेज रे बा कौ फेज रे तो मानकर क्रॉसिंग ओवर होता है। सो क्रॉसिंग ओवर अक्यूज इन योर पैचिटिन सीज। सो 24 आंसर है जो आप मानकर बी पैचिटिन। क्वेश्चन नंबर 26 देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ए सेडिमेंटरी साइकिल। क्वेश्चन नंबर 25 कहूँ ए भितर कौटा गोटे सेडिमेंटरी साइकिल ऑप्शन देती ए ऑक्सीजन साइकिल बी हाइड्रोजन साइकिल सी नाइट्रोजन साइकिल डी फॉस्फोरस साइकिल। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल को आम दुई भाग विभक्त करचु गोटे हूँ गैसियस आ गोटे हूँ सेडिमेंटरी। तो जो बायोजियोकेमिकल रे गैसियस मॉलिक्यूल रो साइक्लिंग होची ताको हमे कहू गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल फॉर एग्जांपल योर हाइड्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल। किंतु आउ गोटे जो अच्छी जो थे कि सेडिमेंटरी मॉलिक्यूल्स मानकर इन्वॉल्वमेंट हुए जो माने सेडिमेंट आकार रे रहंती सॉइल रे हो कि बा रॉक रे हो ताको हमे कहू सेडिमेंटरी साइकिल। तो सेडिमेंटरी साइकिल रे आपण मानकर आसीबे फास्फोरस साइकिल एवं सल्फोरस साइकिल। जदि आपण माने ऑप्शन देखिबे ऑक्सीजन साइकिल हाइड्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल दीज आर द कंपोनेंट ऑफ गैसियस साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल बिलोंग्स टू द सेडिमेंटरी साइकिल। सो 25 रो आंसर है जीवो डी फॉस्फोरस साइकिल। ठीक अछि सो 26 देखंतु इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑप्शन देछि ए आयोनोस्फीयर बी लिथोस्फीयर सी बायोस्फीयर डी मेसोस्फीयर। सो आर्थ सरफेस रे जो एरिया रे लाइफ रो पॉसिबल बा लाइफ रो एक्जिस्टेंस पॉसिबल ताको हमें कहू बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रो सबटु स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होची तो आपण मानकर इकोसिस्टम। सो 26 रो आंसर है जीवो सी बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 27 देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली अमंग एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 27 कहूँ ए भितर कौटा एंजियोस्पर्म रो सबुठ प्रिमेटिव फैमिली
ऑप्शन देछि ए मंगोलियासी, बी रूबियासी, सी लिलियासी, डी पोआसी। सो सबुटु प्रिमिटिव प्लांट फैमिली होची आपण मानकर मंगोलियासी। सो 27 रो आंसर हे जे आपण मानकर ए मंगोलियासी। ठीक अछि 28 देखंतु हचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हैज बीन पब्लिश्ड इन। तो देखंतु हचिनसन जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देथिले से गोटे बुक रे पब्लिश करथिले, से बुक रो नाम होची फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो इट इज ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत थोर आपण मानकर पीजी एंट्रेंस क्वेश्चन रिपीट होतला, मु आपण मानकु कहिछि। सो 28 रो आंसर है जो आपण मानकर सी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक अछि। सो 29 देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अपोमिक्सिस। सो कौच भितर कौटा अपोमिक्सिस बाबदरे गोटे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो प्रथम जानबे अपोमिक्सिस कौन। सो अपोमिक्सिस दा दीटा वर्ड रु आसे, गोटे होची अपो आ गोटे होची मिक्सिस। अपो मीन्स विथाउट, मिक्सिस माने मिक्सिंग। तो जो रिप्रोडक्शन रे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रो विथाउट मिक्सिंग रे नुआ ऑर्गेनिज्म रो प्रोडक्शन हो ताकू आम कहवा अपोमिक्सिस। जदि आपण माने स्टेटमेंट देखिबे मेओटिक डिविजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस टू फॉर्म जायगोट, ये गोटे आपण मानकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन पाए ना अपोमिक्सिस रे कोनोसी प्रकार मेओसिस बा गैमेट रो फॉर्मेशन हुए नी, किंबा गैमेट रो फ्यूजन मध्य हुए नी, एवं बिना गैमेट रो फ्यूजन रे नुआ ऑर्गेनिज्म रो प्रोडक्शन हुए। सो 29 रो आंसर हे जे आपण मानकर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखंतु वाटर पोटेंशियल इनसाइड द जाइलम एट द टॉप ऑफ ए टॉल ट्री ड्यूरिंग द हॉट सनी डे इज। सो ये आपण मानको टिके टेक्निकल क्वेश्चन। सो आपण मानको क्वेश्चन पचारुची, सो गोटे टॉल प्लांट रे, गोटे टॉल ट्री रे सनी डे रे तार अपर पार्ट रे जाइलम रे वाटर पोटेंशियल कौन रहइबो। तो आपण माने जानथिबे सनी डे रे अपर पार्ट रे कंटिन्यूअसली ट्रांसपायरेशन हबो, वाटर रा लॉस हबो। वाटर रा लॉस होले आपण मानकर सॉल्यूट रा कंसंट्रेशन टा बढ़ी जिवो, जो द्वारा कि आपण मानकर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट टा राइज कर जिवो। एवं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट टा राइज करबा द्वारा आपण मानकर वाटर पोटेंशियल टा कोन हे जिवो, नेगेटिव हे जिवो। ठीक अछि। सो ये आपण मान टिके टेक्निकल क्वेश्चन थिला, आपण मानको टिके भाबिबा पई पड़िबो कोन प्रोसीजर होची ना। ट्रांसपायरेशन हे जिवा द्वारा कोन होची ना, सॉल्यूट रा कंसंट्रेशन बढ़ी जाउची। सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन बढ़ी गले आपण मानको डिफ्यूजन प्रेशर जो डेफिसिट रहउची से बढ़ी जिवा आपण मानको, एवं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ी जिवा द्वारा वाटर पोटेंशियल रा आपण मानको नेगेटिव हे जिवो। ठीक अछि। सो क्वेश्चन नंबर 30 रो आंसर हे जिवा आपण मानको ए ऑलवेज नेगेटिव। सो 31 देखंतु अकॉर्डिंग टू पॉइसेली इक्वेशन द अमाउंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द बेस टू द टॉप ऑफ ए 100 मीटर टॉल ट्री इज एप्रोक्सीमेटली। सो सी क्वेश्चन कहुची गोटे 100 मीटर लंबा गछर बेस रु पूरा टॉप पार्ट को वाटर ट्रांसपोर्ट करिया पई केते प्रेशर दरकार अकॉर्डिंग टू द पॉइसेलीस इक्वेशन। सो ये आपण मानक टिके मैथमेटिकल डेरिवेशन बुझिया पई पड़िबो, म आपण मानक शॉर्ट रे कहि दउची पॉइसेलीस रो इक्वेशन अनुसार गोटे मीटर पानी ऊपर को उठिया पई हेले 0.02 मेगा पास्कल रो प्रेशर दरकार। सो क्वेश्चन अनुसार 100 मीटर ऊपर को उठिया पई हेले आपण मानक 0.02 × 100 करिया पई पड़िबो। सो 100 मीटर ऊपर को उठिया पई हेले आपण को दरकार पड़िबो 2 मेगा पास्कल रो प्रेशर। सो क्वेश्चन नंबर 31 रो आंसर हे जिवो बी 2 मेगा पास्कल। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 32 देखंतु अकॉर्डिंग टू मॉन्स प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द फ्लोएम टिश्यू फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सो क्वेश्चन नंबर 32 कहुची मॉन्स पर प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस अनुसार गोटे सोर्स रु सिंक को फ्लोएम रे ट्रांसपोर्ट हेबा पई को फोर्स दरकार। तो मेनली प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कोन कहुतला ना, जो आपण मानकर टर्गर प्रेशर क्रिएट होउची ड्यू टू द कंसंट्रेस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, एवं से टर्गर प्रेशर जो ही तुम मानक सोर्स रु सिंक को आपण मानक ट्रांसपोर्ट होउची फ्लोएम रो। तो आपण माने ऑप्शन देखिबे
B. Osmotically generated pressure gradient will be the correct answer of this question. ठीक अच्छे सो क्वेश्चन नंबर 32 र आंसर है जीवो B. क्वेश्चन नंबर 33 देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोरीजन. सो ये आपन मान को टिके टॉप लेवल रो क्वेश्चन आसी गला. सो यार आंसर है जीवो फ्लावरिंग लोकोस्टी. सो क्वेश्चन नंबर 33 र आंसर है जीवो D. क्वेश्चन नंबर 34 देखंतु इनवर्टेड स्टोमाटल साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच ग्रुप ऑफ प्लांट. सो से कहूँ इनवर्टेड स्टोमाटल साइकिल को ग्रुप ऑफ प्लांट मानकर गोटे कैरेक्टर. ऑप्शन देची ए सी थ्री प्लांट, बी सी फोर प्लांट, सी बोथ सी थ्री एंड सी फोर प्लांट, डी कैम प्लांट. सो स्टोमाटल साइकिल कौन? सो स्टोमाटा मेनली तुम डे टाइम ओपन हुए और नाइट टाइम क्लोज हो जाए. किंतु आपण मानकर कैम प्लांट क्रासुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट मानकर आपण माने देखिबे स्टोमाटाटा कौन करिवो ना रात्रि ओपन करिवो दिन रे बंद हो जिवो जाउ आमे कहतु स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा. सो इनवर्टेड स्टोमाटल साइकिल आपण मानकर कैम प्लांट मानकर देखा जाए. सो क्वेश्चन नंबर 34 रा आंसर हे जिवो आपण मानकर डी कैम प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 35 देखंतु द ओनली एंजाइम इन द क्रेब साइकिल अटैच्ड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज. सो क्वेश्चन नंबर 31 कहुची आपण मानकर माइट्रो क्रेब साइकिल पाई जहाँ भी एंजाइम रिक्वायर हुए माइट्रोकॉन्ड्रिया साइटोसोल भितर रही था किंतु ए भितर गोटे एक्सेप्शन होची सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आपण मानकर साइटोसोल न रही कि आपण मानकर इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रे रही था. सो क्वेश्चन नंबर 35 रो आंसर हो जीवो ए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. क्वेश्चन नंबर 36 देखंतु ग्लाइकोलिसिस अक्यूर्स इन. ऑप्शन देची ए एरोबिक सेल, बी अनारोबिक सेल, सी बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक सेल, डी नेदर एरोबिक नॉर अनारोबिक सेल. सो देखंतु ग्लाइकोलिसिस इज द फास्ट स्टेप ऑफ योर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन स्टेप फॉर बोथ एनारोबिक एंड एरोबिक ऑर्गेनिज्म. सो क्वेश्चन नंबर 36 रो आंसर हो जीवो आपण मानकर बी बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक सेल. ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 37 देखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टर ऑफ सीओ टू इन केल्विन साइकिल. सो क्वेश्चन नंबर 37 कहि आपण मानक केल्विन साइकिल और सी थ्री साइकिल प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर किए. सो सी थ्री साइकिल आपण मानक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर हो राइबुलोज 15 बाई फॉस्फेट और आर यू बी पी. सो क्वेश्चन नंबर 37 र आंसर है जीवो ए आर यू बी पी. क्वेश्चन नंबर 38 देखंतु द वेरिएशन इन इनविट्रो कल्चर इज नोन. सो इट इज ए वेरी कॉमन क्वेश्चन. सो वेरिएशन इन इनविट्रो कल्चर इज नोन एज सोमाकोनल हाइब्रिडाइजेशन और सोमाकोनल वेरिएशन. सो क्वेश्चन नंबर 38 रो आंसर हो जीवो आपण मानकर सी सोमाकोनल वेरिएशन. सो क्वेश्चन नंबर 39 देखंतु इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू सेल बाय एक्सपोजिंग टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स इज नोन एज. सो गोटे सेल भितर को डीएनए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करेन्ट दे कि इंटर करने को प्रोसेस को कौन कहा जाए. ऑप्शन देची इलेक्ट्रोफ्यूजन. सो इलेक्ट्रोफ्यूजन कौन ना जो प्रोसेस रे इलेक्ट्रिक करेन्ट को इंड्यूस करके दुटा सेल को आम फ्यूज कले आम कह इलेक्ट्रोफ्यूजन. सो ये आपण मानक आंसर हेनी. बी होची इलेक्ट्रोफिजन. सो इलेक्ट्रोफिजन कौन इलेक्ट्रिक करेन्ट दे कि ब्रेकडाउन करवा फिजन करवाक कहवा आम इलेक्ट्रोफिजन. सो ये भी आपण मानकर आंसर हेनी. सी इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस कौन ना इलेक्ट्रिक करेन्टर प्रेजेन्स मॉलिक्यूल गुड़ा को ब्रेकडाउन करवाक आम कह इलेक्ट्रोलाइसिस. सो ये भी आपण मानकर आंसर हेनी. डी देखंतु इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रोपोरेशन होची गोटे टेक्निक जो टेक्निक माध्यम आम इलेक्ट्रिक करेन्ट यूज करके गोटे फॉरेन डीएनए को गोटे सेल भितर इनसर्ट करुचु. सो 39 रो आंसर ही जीवो आपण मानकर डी इलेक्ट्रोपोरेशन. क्वेश्चन नंबर 40 देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कंसीडर्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. सो इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन. सो बैक्टीरिया एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमेफासिन्स इज ए स्पेशल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इट इज अदरवाइज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. कौन भाई ना आम एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमोफासिन टीआई प्लाज्मिड थाए एवं जहाद्वारा कि सहजरे नेचुरल प्रोसेस आपण मानकर जीन रो ट्रांसफर पॉसिबल हो पाए.
तेणु आम एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमेफासियन को आम कौ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। सो 40 आंसर हो आपर ए ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 41 देखु द क्रोमोजोम ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियम इज। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। सो बैक्टीरिया क्रोमोजोम आपर मेनली सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। सो 41 आंसर हो सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 42 देखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ए सेलुलर स्लाइम मोड्स। ऑप्शन देती आस्कारियो माइसेटिस, बी माइकोमाइसेटिस, सी ओ माइसेटिस, डी एस्कोमाइसेटिस। सो आपको टे क्लारीफाई कर दिंतु मुझे किसी पिक्चर देखा। सो आस्कारियो माइसेटिस इज ए ग्रुप ऑफ सेलुलर स्लाइम मोड्स, किंतु माइकोमाइसेटिस इज ए ग्रुप ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोड्स। सो यार आंसर हो 42 बी माइकोमाइसेटिस। क्वेश्चन नंबर 43 देखु द टोबाको मोजाइक वायरस टीएमवी इज एप्रोक्सीमेटली ड्रेस इन साइज। सो आपर टे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसीगला। सो सी पचारे जो टीएमवी बैक्टीरिया एप्रोक्सीमेटली साइज के। सो या मुझे भावुँ प्राय पिलांर आंसर टी भूल हो न्यूमेरिकल डाटा प्राय पिला मन रखती कि क्वेश्चन में पचार न्यूमेरिकल डाटा। सो दे टीएमवी आपण मैंने स्ट्रक्चर देखिए सी हो 300 × 18 नानोमीटर। सो 43 आंसर हो आपर ए 300 × 18 नानोमीटर ठीक अच्छे। सो 44 देखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज प्रो वायरस। सो प्रो वायरस कौन जो आपण मानकर लाइसोजेनिक साइकिल अच्छी से भितर कौन हुए ना जो वायरल जीनोमटा जाए कि हॉट जीनोम सहित इंटीग्रेटेड होकर रही जाए जहाँ आम कौन प्रोफेज और प्रो वायरस। सो यार आंसर हो आपण मानकर डी इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम ठीक अच्छे। सो 45 देखु फंगी दैट लैक पार्टीशन और सेप्टा आर कॉल्ड एज। तो जो फंगाई सेप्टा बा पार्टीशन वाल नहीं बा क्रॉस वाल नहीं ताकू कौन कहते। सो मु मोर लेक्चर्स रे कहिथिली ना जो फंगस रो क्रॉस वाल बा सेप्टा नहीं ताकू आमे कहू एसेप्टेड। सो जेहेतु से माने एसेप्टेड से मानकर कोनोसी पार्टीशन नहीं एवं से मानकर जते भी न्यूक्लियस अछि से माने गोटिए सेल रे रहंती जगह आमे कहू कोइनोसाइटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। सो 45 रो आंसर हे जीवो बी कोइनोसाइटिक ठीक अछि। सो 46 देखंतु द स्टील प्रेजेंट इन इक्विजिटम इज ए। सो ये भी मो लेक्चर्स रे मो आपण मानको कहिथिली इक्विजिटम रे आपण मानकर साइफोनो स्टील थाए ठीक अछि। सो क्वेश्चन नंबर 46 रो आंसर हे जीवो डी साइफोनो स्टील। क्वेश्चन नंबर 17 देखंतु इन जिम्नोस्पर्म द टर्म मेगास्पोरोफिल इज यूज्ड फॉर। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन द मेगास्पोरोफिल इज द अदर नेम ऑफ योर कार्पेल्स। सो 47 रा आंसर हो जीवो ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखंतु द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन ए इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन परे गोटे पीरियड परे पीरियड परे जो गोटे फाइनल स्टेबल कम्युनिटीटा मिले ताकू कौन कहते ऑप्शन में पचार। सो ताकू कहते आपण मानकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 48 रो आंसर हो आपण मानकर सी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 49 देखंतु द स्पेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी आर कॉल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 49 कहूँ जो स्पेसिस्टा गोटे कम्युनिटी रो कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करे ताकू आमे कौन कहू। ऑप्शन देछि ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिस, बी स्पेशियल स्पेसिस, डी डोमिनेंट स्पेसिस, डी हाइपर हाई परफॉर्मेंस स्पेसिस। सो देखते आपण मान एक्चुअली आंसर होगा कथा की स्टोन स्पेसिस आर प्रॉपर आंसर होची की स्टोन स्पेसिस। किंतु की स्टोन स्पेसिस जेहेतु ऑप्शन रे देनी तार सिनोनिम्सटा हम आपण मानकर हाई परफॉर्मर स्पेसिस ठीक अच्छे। सो डोमिनेंट स्पेसिस तो हेनी कम आंसर ना डोमिनेंट स्पेसिस कौन ना जो कम्युनिटी रे जो स्पेसिस नंबर अधिक थाए ताको हमें डोमिनेंट स्पेसिस कहूँ। सो डोमिनेंट स्पेसिस आर यार आंसर हेनी आर आंसर हो आपण मानकर हाई परफॉर्मर स्पेसिस।
सो क्वेश्चन नंबर 49 रा आंसर हो आपर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखु द फेमस बटानिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन। सो मुझे ये मो लेक्चर्स बहुत थर कही सो क्यू बटानिकल गार्डन इज द लार्जेस्ट बटानिकल गार्डन अफ द वर्ल्ड एंड इट इज सिचुएटेड इन योर इंग्लैंड। सो क्वेश्चन नंबर 50 रा आंसर हो इंग्लैंड। सो मन रखु ये क्यू बटानिकल गार्डेन आपण मानकर बेंथम एंड हुकर काम करी से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज करते ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 51 देखु टैक्सन इज ए ऑप्शन दे हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन बी स्पेसिस व्हिच आर एडवांस्ड इन ए कम्युनिटी बी सिंपल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डी ग्रुप ऑफ क्लोज्ड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। सो टैक्सन कौन ए ग्रुप ऑफ क्लोज्ड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी रैंक आम कौ टैक्सन। सो 51 रा आंसर हो डी आपर करेक्ट आंसर। 52 देखु बायोनोमियल नोमेनकल्चर रिफर टू से ये आप बहुत इजी क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन कारलोस लिनियस गोटे सिस्टम सॉरी बायोनोमियल नोमेनकल्चर बायोनोमियल नोमेनकल्चर कौन ना कारलोस लिनियस गोटे सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर प्रपोज कले से कहले प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रो गोटे प्रॉपर साइंटिफिक नेम रहिबो जो साइंटिफिक नेम रे दुटा वर्ड को लेकिन तैयारी हे गोटे हम तुम जेनेरिक इपिथेड और जेनेरिक वर्ड आ गोटे हम स्पेसिफिक इपिथेड और स्पेसिफिक वर्ड ठीक अच्छे। जदि आपशन देखिए ये आपर ऑप्शन सी वन साइंटिफिक नेम कनसीस्ट ऑफ जेनेरिक नेम एंड द अदर स्पेसिस नेम ये आपर करेक्ट हो। सो क्वेश्चन नंबर 52 आंसर हम सी। क्वेश्चन नंबर 53 देखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हर्बारियम। सो क्वेश्चन नंबर 53 कहूँ ए भितर कौटा हर्बारियम विषय करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए देखु हर्बारियम्स आर बेसिकली प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड एंड प्रिजर्वड ऑन द सीट। सो ये भी स्टेटमेंट ठीक हर्बारियम कौन हुए ना प्लांट स्पेसिमेन गुड़ाक ड्राई करी कौन करा जाए हर्बारियम सीट उपर पेस्ट करके रखा जाए। सो ऑप्शन बी देखु हर्बारियम सीट यूजुअली कंटेन्स द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन नेम ऑफ द फैमिली एंड नेम ऑफ द पर्सन हु कलेक्टेड द स्पेसिमेन। सो इट इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी देखु हर्बारियम्स मे बी यूज्ड एज ए रिफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी। सो हर्बारियम स्पेसिस गुड़ाक आम टैक्सोनॉमी यूज करू जहाँ आम कहूँ हलो टाइप पारा टाइप ल्यूको टाइप आइसो टाइप। सो आप देखिए 53 रो आपर ये तीनोट जाक स्टेटमेंट ठीक हो। सो यार आंसर हो डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 54 देखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फैमिली अमंग एंजियोस्पर्म। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। सो एंजियोस्पर्म मानकर सब लार्जेस्ट फैमिली हूँ एस्टेरासी ठीक अच्छे। सो 54 आंसर हो एस्टेरासी। 55 देखु आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड को डेवलप फर्म। सो ये आपर एम्ब्रियोलोजी क्वेश्चन आसला। सो कौन फर्टिलाइजेशन पर सीड कोडटा कौथ्रु डेवलपमेंट हुए। सो जब आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ी सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आपड़े गोटे फीमेल पार्टर जो ओव्यूल था ओव्यूल कौन कर सीड्रे कनवर्ट होभारी कनवर्ट होकर फ्रुट्रे एवं जो ओव्यूल रो सराउंडिंग कवरिंग थिला जहाँ आम कहूँ इंटेगुमेंट से इंटेगुमेंट गुड़ा सीड रो कवरिंग सीड कोट हो ठीक अच्छे। सो फर्टिलाइजेशन पर सीड कोटा आपण मानकर इंटेगुमेंट रु डेवलपमेंट हे। सो 55 रो आंसर हो सी इंटेगुमेंट्स। 56 देखु एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। सो एंजियोस्पर्मिंग प्लांट रे कौन हुए ना जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जोटा कि डिप्लोइड थाए ता सहित आपण मानकर सेकेंड मेल गैमेटा फ्यूज होकी गोटे ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तैयारी करे एवं ए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेड डिविजन और रिडिविजन होकी एंडोस्पर्म रो फॉर्मेशन हुए। तो जेहेतु गोटे ट्रिप्लोइड सेल रो आपण मानकर एंडोस्पर्म रो फॉर्मेशन होची एंजियोस्पर्मिंग प्लांट रे एंडोस्पर्म गुडा ट्रिप्लोइड हेबे। सो 56 रो आंसर आपर डी ट्रिप्लोइड ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखु द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन एत सरफेस लेवल रो क्वेश्चन आसीज किए भी आशा करें। सो पोलन रो गोटे
फ्लावर रु अन्य फ्लावर रु गोटे स्टिग्मा रु गोटे आंथर रु स्टिग्मा को ट्रांसफर होगा को आम कौन पॉलिनेशन। ठीक अच्छे सो 57 र आंसर जो आपण मानकर बी पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 58 देखंतु वास्कुलर बंडल्स आर स्क्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 58 आपण मानकर प्लांट एनाटॉमी रु आसला क्वेश्चन। सो से पचारुची ना स्क्रेटेड मैनर जो तुम वास्कुलर बंडल थाउची एटा को मानकर गोटे कैरेक्टरिस्टिक। तो स्क्रेटेड वास्कुलर बंडल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर मोनोकोटिलेडन स्टेम। तो आप डायग्राम देखिपारे सो ये हूँ गोटे मोनोकोटिलेडन स्टेम रो डायग्राम जो थे कि आपखिपे वास्कुलर बंडल गुड़ा स्क्रेटेड मैनर आपर प्रेजेन्ट हो कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक अच्छे सो द स्क्रेटेड वास्कुलर बंडल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर मोनोकोटिलेडन स्टेम। सो 58 रो आंसर हो डी मोनोको स्टेम। क्वेश्चन नंबर 19 देखु प्रेजेन्स ऑफ कोलेनकाइमाटस हाइपोडर्मिस इज द स्पेशियल फीचर ऑफ। सो प्रेजेन्स ऑफ कोलेनकाइमाटस हाइपोडर्मिस इज ए स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर डाइकोट स्टेम। तो ये आपण माने देखि पारथु डायग्राम रे ये गोटे हूँ डाइकोट स्टेम रो ट्रांसवर्स सेक्शन। ये आपण माने देखि पारथुबे हाइपोडर्मल रीजन रे किछि थिक वाल्ड सेल रहिछि जाको आमे कहू कोलेनकाइमाटस सेल। एवं ए थिक वाल्ड कोलेनकाइमाटस सेल्स हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ योर डाइकोटिलेडन स्टेम। सो 59 रो आंसर हो ए डाइकोट स्टेम। सो क्वेश्चन नंबर 60 देखु कास्पारियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन कास्पारियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन योर एंडोडर्मिस। सो 60 रो आंसर हो सी एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 61 देखु Which one of the following is not the component of water potential? So water potential आपण मानकर तीनटा जिनिसर कॉम्बिनेशन आपण मान देखि परथुए डायग्राम रे गोटे होची आपण मानकर मैट्रिक्स पोटेंशियल आ गोटे होची आपण मानकर ऑस्मोटिक पोटेंशियल एवं आ गोटे होची आपण मानकर प्रेशर पोटेंशियल। सो द वाटर पोटेंशियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल एंड मैट्रिक पोटेंशियल किंतु ए भितर एक्शन पोटेंशियल रो कोनोसी रोल नाही। सो 61 रा आंसर हे जीव बी एक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 62 देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पोंसिबल फॉर गोटेशन इन ग्रास लीव्स। सो गोटेशन कोनो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज नोन एज गोटेशन एंड गोटेशन ऑक्यूज बाय स्पेशियल स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइडाथोर्स। सो गोटेशन मेनली कौन हुए ना लीफ्र मार्जिन रे वाटर रो लॉस हो जाए इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो जेते बेले प्लांट रे वाटर रो प्रेशर बहुत बढ़ी जीवो एवं लो आपण मानकर ट्रांसपायरेशन हो जीवो सेई समय रे रूट प्रेशर जोगु हाइडाथोर जरिया रे आपण मानको लिक्विड लॉस हो जागो आमे कहू गोटेशन। सो गोटेशन आपण मान देखिबे रूट प्रेशर भेरी लो ट्रांसपायरेसन हाइडाथोर्स ये तीनटा जाक जिनस काम करेंगे किंतु हाई ट्रांसपायरेसन इज नॉट ए फैक्टर फॉर योर गोटेशन। ठीक अच्छे सो क्वेश्चन नंबर 62 रा आंसर है जो आपण मानकर बी हाई ट्रांसपायरेसन। क्वेश्चन नंबर 63 देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्वड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो कहूँ ए भितर कौटा आपण मानकर एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे इन्वॉल्व हुए। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन ना मेम्ब्रेन थ्रो रे एनर्जी रो यूज है कि मॉलिक्यूल्स मानकर ट्रांसपोर्ट हेबा को हमें कहू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यदि आपण माने एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखिबे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कि स्पेशियल पंपिंग मॉलिक्यूल थांती कि स्पेशियल पंप थांती जो माने कि मॉलिक्यूल गुडा को मेम्ब्रेन अक्रॉस रे पंप करंती। सो आपण मानकर पंप्स आर द स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो 63 रो आंसर हे जे आपण मानकर ए पंप्स। ठीक अच्छे सो 64 देखु एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग इज बेसिकली आपण मानकर पुणि थोड़े फिजियोलोजी रु क्वेश्चन आसीगला। सो एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग और अपलोडिंग इज ए पैसिव प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी डज नॉट यूज। ठीक अच्छे सो 64 आंसर हो ए पैसिव प्रोसेस। 65 देखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एट फंक्शनल मेच्यूरीटी ऑफ सेल। सो ये भी आपण मानक टेक्निकल क्वेश्चन आसी तो पूर्व आपण किसी बेसिक कनसेप्ट जानतु।
तो जाइलेम रे आपण मानकर तीनटा कंपोनेंट अछि, गोटे होची जाइलेम पेरेन्काइमा, गोटे होची जाइलेम फाइबर, आ गोटे ट्राकिड, आ गोटे होची फेसल। ए भितरु ओनली जाइलेम पेरेन्काइमा आपण मानकर लिविंग सेल एवं आउ जो तीनोटी रहिले जाइलेम फाइबर, ट्राकिड आउ फेसल, ए तीनटा डेड पार्ट। से भलिया फ्लोएम रे मध्ये चारटा कंपोनेंट अछि, गोटे होची तमरो फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीप सेल्स एंड कंपानियन सेल। एवं फ्लोएम जी सेल अच्छे ए भितर फ्लोएम फाइबरटा ओनली डेड आउ तीनटा लिविंग सेल। जब आपशन देखिए ए भितर सो फ्लोएम सीप सेलटा आपण मानकर लिविंग आउ जाइलेम ट्राकारी एलिमेंट आपण मानकर डेड। सो 65 ए हिजो आपण मानकर आंसर। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 66 देखु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैसियस ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन। सो 66 कहुची ए भितर कौटा गोटे गैसियस ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन। आपण मैंने जानते गोटे ही गैसियस हार्मोन अच्छी सी हूँ एथिलीन। ठीक अच्छे सो 66 आंसर हो एथिलीन। 67 देखु, सो एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। सो एपिकल डोमिनेंस कौन ना गोटे प्लांट सब एपिकल रीजन रो कंटिन्यूस ग्रोथ हो चले एवं से माने लैटरल ग्रोथ को सप्रेस करी करी चलती आपको आम कौ एपिकल डोमिनेंस। मुझे एपिकल डोमिनेंस को मेनली तुम आपर कंट्रोल करे ऑक्सिन। सो 67 रा आंसर हो ए ऑक्सिन। ठीक अच्छे 68 देखु, केम वैल्यू इन ए एंजाइम काइनेमेटिक्स रिफर टू। आपण मानकर बायोकेमिस्ट्री रु क्वेश्चन आसी। सो केम वैल्यू कौन ना मिथेलिस एंड मेल्टन दुज साइंटिस्ट थे सीए सब्ट्राक्टर कनसनट्रेसन टा एंजाइम रो एक्टिविटी उपरे कौन इफेक्ट पकाउची ताकु डिटरमाइन करिया पाए गोटे इक्वेशन देथिले। से इक्वेशन रो केम होची गोटे कांस्टेंट। केम कौन डिटरमाइन करे, केम इज द कनसनट्रेसन ऑफ योर सब्ट्राक्ट एट व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शन अटेन्स हाफ मैक्सिमम। सो केम कहउची ना केम होची सब्ट्राक्टर से कनसनट्रेसनटा, से सब्ट्राक्ट कनसनट्रेसनटा जो कनसनट्रेसन कि आमर एंजाइम रो वेलोसिटीटा रेट ऑफ रिएक्शनटा हाफ मैक्सिमम अटेन करे। ठीक अच्छे सो 68 रो आंसर हो आपण मानकर बी हो आपण मानकर आंसर। ठीक अच्छे सो 69 देखंतु, द एंजाइम रुबिस्को इन C3 प्लांट इज रेस्पोंसिबल फॉर। सो C3 प्लांट रे रुबिस्कोर दुईटा एक्टिविटी अच्छी, बहुत ऑक्सीजनेज एक्टिविटी अच्छे एवं कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी अच्छी। तो मैंने रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करिपारे ता सहित ऑक्सीजन मध्ये ग्रहण करिपारे। सो 69 रा आंसर हो जीवो बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक अच्छे सो क्वेश्चन नंबर 17 देखु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्वड इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो कौचे ए भितर कौटा आपण मानक लाइट रिएक्शन रे इनवॉल्व हुए ना। सो आप मैंने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इनवॉल्व हुए, तो सहित फाइकोब्रिलिन प्रोटीन आपण मानक इनवॉल्व हुए जोटा कि आपण मानक फोटो सिस्टम रो कोर एलिमेंट रही था एवं कैरोटीनॉइड रो मध्य इनवॉल्वमेंट हुए जो माने कि लाइट हार्विंग सेंटर बा एंटेना मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करती, किंतु आपण मानक फ्लावोनॉइड रो कोनसी प्रकार इनवॉल्वमेंट हुए ना। सो क्वेश्चन नंबर 17 रो आंसर हो जीवो डी फ्लावोनॉइड्स। सो ये आपण मानक कंप्लीट एनालिसिस क्वेश्चन टा किसी 70 रु 60 क्वेश्चन आपण मानक सरफेस लेवल रो क्वेश्चन थिला, इजी क्वेश्चन थिला एवं आ 10 क्वेश्चन किसी एक्सटेंट रे टॉप लेवल रो किसी एक्सटेंट रे टॉप लेवल रो थिला। सो जो माने आमर मॉक टेस्ट देथिबे आपण माने टोटल आपण मानक 70 क्वेश्चन रु आपण माने 25 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आसी जाय छी मॉक टेस्ट रु। ठीक अछि तो जो माने मॉक टेस्ट देथिबे से माने मु आशा करछि निहाती 50 प्लस स्कोर कर जिवे। ठीक अछि सो ये थिला आपण मानकर कंप्लीट एनालिसिस। जदि कार किछि डाउट्स अछि बा कार किछि नुवा जिनिस कहिबार अछि देन मते कमेंट सेक्शन रे निहाती जणंतु। सो रहौछि, नमस्कार।